हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो एग्जाम्स बैंक का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, यूपीएससी सीएसैट हो या फिर प्लेसमेंट ट्रेनिंग्स हो, हर एग्जाम्स में आपको 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलते हैं। आज मैं प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूँगा और 1 या 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। सो 3 कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको दिमाग में रखना है। पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि मान लीजिए दो ट्रेन, एक ट्रेन T1 है और दूसरा ट्रेन क्या है, T2 है। तो अगर दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग इस कॉन्सेप्ट में समझेंगे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो अगर दो ट्रेन जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लीजिए इसका स्पीड S1 है और इसका स्पीड S2 है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? तो रिलेटिव स्पीड अगर डायरेक्शन सेम रहता है, सेम डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड जो हो जाता है वो S1 माइनस S2 हो जाता है। अब देखिए इसको आप दिमाग में कैसे रखेंगे, S से सेम और S से क्या हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया। तो कभी भी आपका अगर सेम डायरेक्शन है तो वो सब्सट्रैक्शन होता है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो आपको ऐड करना रहता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो ये ऐड हो जाएगा। तो आप बस ये याद रखिए, S फॉर सेम और S फॉर सब्सट्रैक्शन, तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में याद रहेगा कि S1 प्लस S2 होता होगा। तो फिर ये रिलेटिव स्पीड जो है वो क्या होता है? तो बहुत बार आप देखे होंगे कि अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और मान लीजिए आपके ट्रेन का स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरा ट्रेन जो है मान लेते हैं वो भी सेम डायरेक्शन में ही जा रहा है, उसका स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर है, तो आप ये फील करेंगे ये ट्रेन जो है बहुत ज़्यादा तेज़ मूव नहीं कर रहा है। देखिए आप दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, फाइनल डिफरेंस, वो 10 किलोमीटर का होगा। देखिए पहला ट्रेन 1 घंटे में 30 किलोमीटर कवर करेगा, दूसरा ट्रेन 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर करेगा, तो आपको जो फाइनल जो डिफरेंस होगा 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर का होगा। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड हम लोग निकालते हैं, मतलब इस ट्रेन के कंपैरिजन में इस ट्रेन को अगर हम लोग रिलेट करते हैं दूसरी ट्रेन से, तो ये ट्रेन क्या है, 10 किलोमीटर आगे रहेगा। तो आप ये फील करते हैं जब सेम डायरेक्शन में रहता है तो दूसरा ट्रेन बहुत ज़्यादा तेज़ मूव नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप देखिए, ये अगर दूसरा कंडीशन हो, अपोजिट डायरेक्शन का कंडीशन हो, तो आपने फील किया होगा आप एक ट्रेन में मूव कर रहे हैं और दूसरा ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन से आता है, तो आपको फील होता है कि दूसरा ट्रेन बहुत ही ज़्यादा तेज है। इसलिए होता है कि 30 प्लस 40 जो रिलेटिव स्पीड जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर का होता है। तो आपकी ट्रेन के कंपेयर में दूसरा ट्रेन जो है आपको ऐसा फील होगा कि वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर स्पीड S1 S2 है और डायरेक्शन अगर सेम है, तो S फॉर सेम और S फॉर सब्सट्रैक्ट, तो यहाँ पे हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं स्पीड को, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो हम लोग ऐड कर देते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने का, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस में मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ सकता है। तो देखिए अगर किलोमीटर पर आवर की बात करें तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 आवर्स में कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड्स होता है। देखिए हम लोग को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो हम लोगों ने मीटर और सेकेंड में ब्रेक कर लिया। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ये 2 से 5 टाइम्स, ये 2 से 18 टाइम्स, सो 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर आपके पास किलोमीटर पर आवर है और उसको अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं, तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, और अगर आपको मीटर पर सेकंड है और किलोमीटर पर आवर में अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से क्या कीजिए, आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कन्वर्जन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर मतलब 1000/3600, अब 3600 है तो नीचे 18 तो आएगा ही, तो किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, और मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिए। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, सो बहुत बार क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा कि एक ट्रेन जो है, मान लेते हैं T1 ट्रेन है और स्पीड S1 है, तो एक ट्रेन जो है अगर किसी पर्सन को या लैम्प पोस्ट, या लैम्प पोस्ट आप देखते होंगे कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे रहते हैं या बीच में रहते हैं, तो एक ट्रेन जो है अगर एक आदमी को क्रॉस करता है या फिर एक
लैम्प पोस्ट को क्रॉस करता है तो लेंथ ट्रेन का क्या होता है? तो देखिए ट्रेन का जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसका लेंथ एल था तो ट्रेन का जो लेंथ है वो एल प्लस जीरो हो जाता है। अब देखिए इसका क्या मतलब है, जब ट्रेन एक आदमी एक पर्सन या फिर एक लैम्प पोस्ट को क्रॉस करेगा तो ट्रेन के कंपैरिजन में एक आदमी का या एक लैम्प पोस्ट का लेंथ जो क्या रहेगा वो ज़ीरो रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ क्या हो गया, सिर्फ ट्रेन का लेंथ होगा, ये लेंथ आपको जीरो कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस केस में दूसरे केस में अगर मान लीजिए एक ट्रेन जो है जिसका लेंथ एल है वो ट्रेन या तो किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करता है जिसका लेंथ एल टू है, इसका एल वन मान लेते हैं, या फिर एक ब्रिज को रेलवे प्लेटफॉर्म या ब्रिज को क्रॉस करता है उसका भी लेंथ हम लोग एल टू मान लेते हैं, देन द टोटल लेंथ जो ट्रेन का होगा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन एल वन प्लस, या तो अगर ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रहा है तो उसका लेंथ, या अगर ट्रेन किसी ब्रिज या किसी रेलवे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है तो उसका लेंथ। तो यहाँ पे लेंथ क्या हो जाता है, एल वन प्लस एल टू। लेकिन अगर जो ट्रेन यहाँ पे है अगर किसी आदमी किसी पर्सन या किसी लैम्प पोस्ट को क्रॉस करता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एल प्लस जीरो हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन और उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ए ट्रेन इज़ मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 132 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है 132 किलोमीटर पर आवर। इफ़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 110 मीटर, लेंथ ट्रेन का दिया गया है 110 मीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस ए रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ 165 मीटर लॉन्ग। और देखिए यहाँ से ये ट्रेन का लेंथ दिया गया था और प्लेटफॉर्म का भी लेंथ दिया गया है 165 मीटर। आपसे पूछा क्या गया है, टाइम पूछा गया है। अब देखिए एक ट्रेन जो है अगर किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाता है एल वन प्लस एल टू, राइट। ओके तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला जो है बेसिक फार्मूला होता है जो टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड में भी पढ़ना है, डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड प्लस टाइम। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो होगा वो लेंथ हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। सो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो गया 110, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या हो गया 165 इज इक्वल टू, देखिए ये मीटर में दिया गया है, ये स्पीड क्या है 132 किलोमीटर पर आवर है और टाइम आपको निकालना है। अब देखिए टाइम जो आपको निकालना है वो सेकंड्स में निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये किलोमीटर पर आवर में है ये मीटर में है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तभी हमारा टाइम क्या है सेकंड्स में आएगा। अब देखिए ये टोटल क्या हो गया, ये हो गया 5 और ये 617 हो गया, 112 हो गया, तो 275 मीटर इज इक्वल्स टू 132। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे हमारा टाइम हो गया। अब देखिए ये 5 से कितने टाइम्स जाएगा, ये 5 से चला जाएगा 55 टाइम्स चला जाएगा, राइट। ओके ये फिर 11 से 5 टाइम्स, ये 11 से 12 टाइम्स, नाउ ये 6 से 3 टाइम्स, ये 6 से 2 टाइम्स। अब देखिए टाइम जो है वो क्या हो गया, 5 × 3 15/2, ये हो गया 7.5 सेकेंड्स, और ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा और जो प्रॉब्लम्स है आपको वो भी समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।